तो आज हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 4y 4 into y plus 5 plus y is equal to 3 into 9 plus 2y plus 5। इसको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है फिर इसको वेरीफाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर है इससे अंदर से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, प्लस है तो प्लस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, फिर प्लस y इक्वल, अब 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, प्लस है तो प्लस, 3 2 6y प्लस 5। तो अब इसके आगे क्या बताया है, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रख देना है, जो कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड भेज देना है। तो वेरिएबल कौन कौन से, यहाँ पे 4y, यहाँ पे प्लस y, आगे से इसको कौन सा है प्लस 6y, तो प्लस है तो क्या होगा इधर माइनस आया, इक्वल। अब वेरिएबल तो आ गया, अब इधर कांस्टेंट में क्या बचा, तो पहले 27 है, 27 प्लस 5 प्लस 5, इधर क्या है प्लस 20 है, तो यहाँ आएगा तो माइनस 20। अब सॉल्व करते हैं, 4 1 5 फिर माइनस 6 सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5 इक्वल, ये क्या हुआ 32 माइनस 20, तो क्या होगा माइनस वाई इक्वल्स 12। देयरफॉर y इक्वल्स क्या होगा माइनस 12, y का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को LHS और RHS में पुट करके चेक करना है कि सही है गलत। तो पहले LHS को देखते हैं, क्या है 4 इंटू वाई प्लस 5 प्लस y, तो 4 इंटू वाई का वैल्यू क्या है माइनस 12 प्लस 5 प्लस माइनस 12, 4 मल्टीप्लाई इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस 7 और माइनस 12 माइनस 28 माइनस 12 तो माइनस 40 होगा। अब RHS को देखते हैं, RHS में क्या होगा, तो RHS में क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2y प्लस 5, तो 3 इंटू 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 12, माइनस 12 क्या है y का वैल्यू है प्लस 5, तो अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 9 है 27, 12 2 जब 24, 3 जब 72 प्लस 5, ये कितना होगा 45 माइनस सॉरी ये होगा 32 माइनस 72 इक्वल्स माइनस 14, तो क्या होगा LHS इक्वल्स RHS माइनस 40 और यहाँ भी माइनस 40।